नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। वो सारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट जो भी एक शेफ़ को यूनिफॉर्म में देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और वही सबसे पहले आप बोल दीजिए एक कड़ी होती है जो कि आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए मजबूर कर देती है। पर वहीं अगर मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ की यूनिफॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ कोई भी एक अट्रैक्शन पॉइंट नहीं होता है। जो भी यूनिफॉर्म हम लोग किचन्स में यूज़ करते हैं, पहनते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ प्रयोग ज़रूर होता है। जो भी हमारी पूरी यूनिफॉर्म होती है आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल में वो किस काम में आ रही है। ये नहीं कि हमने जो शेफ़ हैट अगर पहनी है तो वो सिर्फ हम लोग देखने के लिए पहन रहे हैं, पर एक्चुअल में उसका कुछ काम ज़रूर होता है। तो यही सारी चीज़ें मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए टॉपिक पे वापस आएंगे। सबसे पहले जो कि मैं बताऊँगा आपको वो है हमारी शेफ़ की जैकेट, जिसको कि हम लोग शेफ़ कोट भी बोलते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में हम इसे वेस्ट ब्लांक भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कई सारे कलर्स की जैकेट आ रही है, कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है। अब तो हर तरीके की आपको जो कलर्स पता चल जाएंगे, पर अगर हम लोग ट्रेडिशनली जाएं तो जो भी सारे शेफ होते थे उनकी यूनिफॉर्म वाइट कलर की होती थी। और ये अगर कलर डिफरेंट है तो ये टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी प्रोफेशनल शेफ सिर्फ वाइट कलर की ही यूनिफॉर्म पहनते हैं। उसके बाद दूसरा, अगर इसमें हम लोग बात करें हमारे शेफ़ यूनिफॉर्म में, जो हम लोग जिसको कि शेफ़ जैकेट मैंने आपको बोला, जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि आपके दो तरीके से यहाँ पे आपके बटन होते हैं, या आप बोल सकते हैं ये टू साइडेड होता है। तो बेसिकली इसका प्रयोग हमारा करा जाता है कि जब आप किचन में काम कर रहे हैं, आपने कुछ कुक किया, आपके जो कपड़ों के ऊपर कुछ किया, तो आप दूसरी तरीके से उसे बदल सकते हैं। आपको बार बार यूनिफॉर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो कॉटन होता है, जिसमें कि आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे, ज़्यादा ठंडी ना लगे। तो यहाँ पे जो शेफ़ कोट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे आती है हमारी शेफ़ ट्राउज़र। शेफ़ ट्राउज़र आपने देखा होगा मेनली चेक्स होती है, ब्लैक होती है, या फिर किसी भी कलर की। ट्रेडिशनली हम लोग चेक्स यूज़ करते थे कॉमी शेफ्स के लिए, और ब्लैक यूज़ करते थे हम लोग सीनियर शेफ्स के लिए, जैसे कि हमारा शू शेफ़ हो गया, एग्जीक्यूटिव शेफ़ हो गया, कॉर्पोरेट शेफ़ हो गया, वहाँ के लिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप एक प्रोफेशनल यूनिफॉर्म पहन रहे हैं तो आपको यहाँ पे बेल्ट नहीं पहननी है। इसका भी एक कारण है, आपकी प्रोफेशनल शेफ़ यूनिफॉर्म के अंदर आपको इलास्टिक वाली पैंट पहननी होती है। इसका कारण यही होता है कि अगर किसी प्रकार से अगर आपके कपड़ों में आग लग गई है, तो अगर आपने बेल्ट पहनी है तो आपको पैंट उतारने में बड़ा ही देर लगेगी, जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। वहीं पर अगर आपने इलास्टिक की पैंट पहनी होगी तो वो जल्दी से खींच के उतारा जा सकता है। तो प्रोफेशनल यूनिफॉर्म के अंदर जो भी हमारी ट्राउज़र होती है उसके अंदर इलास्टिक होती है, बेल्ट नहीं होती है। तीसरा यहां पे है शेफ हैट, जिसको कि हम लोग शेफ़ कैप बोलते हैं। आपने देखा होगा ये कागज़ की भी होती है, कपड़े की भी होती है, इवन आपने देखा होगा लोग डिस्पोजेबल प्लास्टिक की भी यूज़ करते हैं। तो अलग अलग प्रकार की कैप्स होती हैं, जिसको कि हम लोग फ्रेंच में तोरके ब्लांक भी बोलते हैं। यहां पे इसका बेसिकली प्रयोग किया जाता है, जो भी हमारे बाल गिरते हैं वो खाने में ना गिरे। दूसरा, अगर हमारे बालों से कुछ भी बदबू या पसीना आ रहा है तो वो खाने के अंदर ना जाए। तो यही इसका प्रयोग है। ये किसी भी प्रकार से फैंसी दिखाने के लिए या दिखने के लिए नहीं होती है। यहाँ पे भी टोटली आपके कंफर्टेबलिटी को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा स्काफ़ जो कि हम लोग गले में पहनते हैं, सेम टाई की तरह होता है। एक तरीके का ट्रायंगल कपड़ा होता है, जिसको कि हम लोग बाद में स्काफ़ के रूप में पहनते हैं। ये अलग अलग कलर्स का आता है। अगर सीनियर शेफ़ हैं तो वो लोग यहाँ पे वाइट कलर का पहनते हैं, उससे जो जूनियर शेफ़ है वो भी आपके चेक्स वाले आपका आपने ग्रीन कलर देखा होगा, या फिर आपने किसी तरीके का और कलर देखा होगा। टोटली ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, पर आपने अभी देखा होगा कई सारे होटल्स हैं जो कि स्काफ़ का यूज़ नहीं करते। वो जो कोट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उस पर ही आपके कलर कर देते हैं, चाहे ब्राउन हो चाहे किसी और का कलर हो। पर जो अगर आप स्काफ़ पहनेंगे तो उसका यूज़ यही होता है कि आपके जो पसीने की बदबू है वो गले के अंदर ही रह जाए, और जो भी पसीना आपको गले पर आता है वो उसके पूरा एब्जॉर्व कर ले, और ये भी कॉटन का होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे यूनिफॉर्म का पार्ट आता है, प्रोफेशनल शेफ़ की यूनिफॉर्म का पार्ट आता है, वो आता है हमारा एप्रन। एप्रन को आप अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं। आप गले से लेके पैर तक पहन सकते हैं, आप कमर पे बांध के उसके पैरों तक नीचे तक ले जा सकते हैं। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप लोग लाइव किचन में खड़े होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हम लोग कमर से नीचे बांधे, पर वहीं जब आप रियली कुकिंग कर रहे होते हो, इंडियन कुकिंग कर रहे होते हो, चाइनीज़ कुकिंग कर रहे होते हो, जिसमें कि आपके ऊपर खाना छींटे बार बार आते हैं, तो आप एप्रन ऊपर से लेके नीचे तक बांध लेते हो। इवन अगर आप देखेंगे कॉमर्शियल किचन के अंदर आजकल
कि जो एप्रन्स आते हैं जो कि वन टाइम यूज़ होते हैं, आप पूरे गर्दन में उन्हें डालिए, पीछे बांधिए और उसके बाद यूज़ करने के बाद उसे आप फेंक दीजिए। तो प्रोफेशनल शेफ़ यूनिफॉर्म में तो आपका कपड़े का आता था, पर आप कॉमर्शियली ये जो प्लास्टिक वाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो छठे नंबर मैं आपको बता रहा हूँ वो है हमारा किचन टावल, जिसको कि हम लोग डस्टर भी बोलते हैं। इस डस्टर का प्रयोग आप अलग अलग प्रकार के जो गर्म पैन होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए कर सकते हैं। ओवन से कुछ सामान अगर आपको निकालना है तो वहाँ पे कर सकते हैं। इनका प्रयोग आपको सफाई के लिए नहीं करना होता है, सफाई के लिए डस्टर आपके अलग होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे शूज़। हमेशा आपको ब्लैक पहनने चाहिए। ट्रेडिशनली अगर हम लोग बात करें, शूज़ आपके स्लिपरी नहीं होने चाहिए, उनके सोल रबड़ के होने चाहिए। दूसरा, आपके जो शूज़ हों सेफ्टी शूज़ हों। सेफ्टी शूज़ से मेरा मतलब है अगर आपके शूज़ हैं तो जो आपकी टो के ऊपर लोहा लगा दिया जाता है, अगर कुछ भारी चीज़ आपके पैरों के ऊपर गिरे तो आपके जो पंजों को कुछ भी नुकसान ना हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखी जाती है। साथ साथ आपको यहाँ पर सॉक्स पहनने की भी सलाह दी जाती है। अगर आप सॉक्स नहीं पहनेंगे तो आपके जो, क्योंकि जो सेफ्टी शूज़ होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, इससे कि आपके पैर भी कट सकते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ पे कॉटन सॉक्स को पहनने की सलाह दी जाती है, जो कि आपके पैरों की बदबू को भी अंदर रखते हैं, साथ साथ आपके लिए कंफर्टेबल भी होते हैं। सबसे लास्ट यहाँ पे आता है हमारा नेम टैग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे नेम टैग आपको एक अलग से भी दिया जाता है, कहीं पे नेम टैग आपके वहाँ पे वो लिखवा भी देते हैं सिलाई करवा के, तो अलग अलग तरीके से आपका यहाँ पे नेम टैग होता है। तो यही सारी चीज़ें हमारी जो एक प्रोफेशनल शेफ़ की यूनिफॉर्म में आती थी, 8 चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, मुझे आप लिख के भेजिए। ये सारी चीज़ें मैं दोबारा से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बेसिक का पता होना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।